कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना की बारी है। ये कांग्रेस की तैयारी है। तेलंगाना में अपनी जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस 5G फॉर्मूला लेकर आई है। कुछ समय पहले कांग्रेस के राहुल गांधी ने विशाल रैली कर इसका सबूत भी पेश कर दिया कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना की बारी है। ऐसे में अब कांग्रेस का ये 5G फॉर्मूला कितने काम आएगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कांग्रेस के 5G फॉर्मूले की चर्चा जोरों पर है, यानी कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने बताया है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नव गठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। तो वहीं कुछ समय पहले तेलंगाना के खम्मम में हुई राहुल गांधी की महारैली के चलते भी कांग्रेस का जोश हाई है, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। इस पर ही कांग्रेस गदगद भी है। इस रैली में राहुल गांधी बीजेपी और BRS दोनों पर जमकर बरसे थे। सुनिए उनका वो बयान। तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए, जो KCR जी ने भ्रष्टाचार किया उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि TRS बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। BRS का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो और आप TRS को बहुत आसानी से हरा सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आपने कर्नाटक में अपनी शक्ति दिखाई, अब यहाँ तेलंगाना में अपनी शक्ति दिखाओ। उस वक्त भी जनता का साथ और उनका वोट साधने के लिए राहुल ने तेलंगाना की जनता से वादे किए और सरकार बनने पर 4,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की घोषणा की। तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी को चेयुथा नाम दिया गया। बता दें कि कांग्रेस ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं से किए वादे शामिल हैं। दरअसल पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषित 5 गारंटी की पार्टी की सफलता को अहम माना जाता है। शायद अब इसी फॉर्मूले को अपनाकर कांग्रेस तेलंगाना में भी 5G फॉर्मूला लेकर आने वाली है। लेकिन अब ये 5G फॉर्मूला कितने काम आएगा, ये समय आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। तेलंगाना की चर्चा जोरों पर है, जिसके लिए सभी दल जोर आजमाइश में जुट गए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।